नाम है जनाबे सुरेश मोकलपुरी का। सुरेश मोकलपुरी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि वो तशरीफ लाएं और आज की इस खूबसूरत महफिल में, जिसे कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन के तौर पर सजाया गया है, इस महफिल में अपने कलाम से नवाजें। जनाबे सुरेश मोकलपुरी साहब। दोस्तों, ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा चल रहा है और हमारे संचालक महोदय नदीम साहब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संचालक हैं, मुशायरों का संचालन बहुत ही अच्छा करते हैं और आज हमारी इस महफिल में तमाम विद्वान लोग आए हैं, साथ साथ हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हमारे राहत इंदौरी साहब आपके मध्य तशरीफ फरमा है। ये कल्क साहब आए हैं बाहर से हमारे मंच पर, हमारे पूर्व मंत्री पंडित सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक श्री राम प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक माननीय जलील खां साहब, हमारे पूर्व विधायक रमेश गौतम जी और तमाम साथी हमारे मंच पर यहाँ बैठे हुए हैं। दोस्तों, मैं चूंकि समय बड़ा कम दिया गया है और महफिल बहुत अच्छी है, तो जब कोई किसान अपना खेत देखता है और उसकी फसल बहुत लहलहाती हुई उसको लगती है तो उसे बड़ा मजा आता है, लेकिन समय बहुत कम है इसलिए मैं अपनी ज्यादा बात तो नहीं कह पाऊंगा। एक मैं हास्य व्यंग का कवि हूं दोस्तों, और हास्य व्यंग का कवि होने के नाते मैं पहले आपको थोड़ा गुदगुदाना चाहता हूं दो मिनट में, और तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि नदीम साहब ने बहुत कम समय दिया। बिल्कुल सुरेश भाई, डेढ़ मिनट खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूं, डेढ़ मिनट खत्म हो चुका है तो हमारे ख्याल से समय बहुत कम है। आइए मैं आपको तीन मिनट में एक कविता सुनाता हूं कि अभी जो चुनाव हुआ, इस चुनाव के दौरान कई लोग आपके दरवाजे पर आए होंगे, सपा के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, तमाम लोग आए होंगे और तमाम लोगों ने आपसे अपने वोट मांगा होगा, आपसे वोट की गुजारिश की होगी कि हमको वोट दीजिए, जिताइए। उसी को आप ध्यान में रखें, पढ़िए पढ़िए और आप चार पंक्तियां सुने। जी भाई, स्वागत है। कि इस चुनाव के दौरान कई सज्जन मेरे पास आए, मेरा चरण छूकर मुस्कुराए। बोले कि मेरा चुनाव निशान साइकिल है। अब दोस्तों, मैं कविता आपने बता दिया, समय बहुत कम दिया है इसलिए। इस चुनाव के दौरान कई सज्जन मेरे पास आए, मेरा चरण छूकर मुस्कुराए और तब तक एक निर्दलीय उम्मीदवार मेरे एक दूसरी कविता आप देखें दोस्तों, ये मैं भूल रहा हूं क्योंकि समय बहुत कम दिया गया है, आप देखें। नहीं, इसमें कविता के भूलने में समय का कोई ताल्लुक नहीं है। चलिए चलिए, अब आपने चुनाव चिन्ह बताने में ही आचार संहिता खत्म कर दी तो मैं क्या करूं। तो चलिए, आप देखिए, आप देखते हैं कि तमाम लोग देश को लूट कर भाग गए, तमाम कारपोरेट्स वर्ल्ड के लोग इस देश को लूट के चले गए और जो 150 के बकायेदार हैं उनकी क्या हाल है आप देखें चार पंक्तियां, कि करोड़ों का घपला है अरबों में खेलते हैं। पूरा मुल्क नहीं का है, हम घास छीलते हैं। और मैंने पूछा कि आखिर हम चोर तो नहीं, हमारी तलाशी क्यों ली जा रही है, तो कोतवाल साहब गुर्रा कर बोले कि हमारी सरकार भयमुक्त समाज का वादा निभा रही है। और नाम भेजा गया है उनका जो करोड़ों के बकायेदार हैं, शासन को भेजा जाता है नाम उनका, नाम भेजा गया है उनका जो करोड़ों के बकायेदार हैं। हवालात में तो वो हैं जो 150 से कर्जदार हैं, और जो मुल्क बेचता है उसकी इज्जत से खेलता है वो खुशहाल है, मालामाल है। और जो मुल्क बचाता है
वो आजकल सड़क पर खुंचा लगाता है। और जो मुल्क बचाता है वो आजकल सड़क पर खुंचा लगाता है। और दोस्तों चूंकि समय बहुत कम है और हमारे भाई साहब ने समय में बांध दिया है, दो पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। दो पंक्तियां सुन लीजिए, बस दो पंक्तियां आप देखें जी, अभी दो पंक्तियां बस। हाँ चलिए जी, चलिए पढ़िए 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 पढ़िए। हाँ भैया सुनिए, आप हल्ला न मचाइए, सबसे अच्छा मजा देंगे, लेकिन चूंकि समय इतना कम दिया है हम क्या बताएं। आप देखें चार पंक्तियां कि आपके खेत जानवर चर रहे हैं इस समय, जितने भी खेत हैं आपके वो छुट्टा जानवर चरे जा रहे हैं, खेत की पैदाइश कम हो गई है। चार पंक्तियां आप देख लें, चार पंक्तियां आप देख लें कि खेतों में किसान सीमा पर जवान, खेतों में किसान सीमा पर जवान, खेतों में किसान रोज मर रहे हैं, सीमा पर जवान खेतों में किसान रोज मर रहे हैं। और योगी की गाय मोदी के साथ देश चल रहे हैं। और लोकतंत्र एक एक दूसरी लाइन और आप देखें कि लोग कि लोकतंत्र का नारा, लोकतंत्र का नारा, हाँ ठीक है ठीक है, लोकतंत्र का नारा तो लगता बहुत उबाऊ है, लोकतंत्र का नारा तो लगता बहुत उबाऊ है, और नोट तंत्र है भारी सब पर एक एक वोट बिकाऊ है, नोट तंत्र है भारी सब पर एक एक वोट बिकाऊ है।